त्याच्यानंतर शेतकरी वैतागलेला आहे, शेतकऱ्यांचं सगळं पीक पाण्यात गेलेलं आहे, त्यांच्या हाती काहीच लागलेलं नाहीये. महाराष्ट्राच्या समस्या आलेल्या त्या समस्या मंडलवरच्या लोकांबरोबर जमिनी विकत घेऊन त्या जमिनीला खऱ्या अर्थानं पाठिंबा द्यायचं, त्या अंडलवरच्या लोकांना पाठिंबा द्यायचं. क्या करते हैं इतने महाराष्ट्र में बुरे दिन आए, चर्च और गंजोटियों पे बोलने का समय आया है और ये चर्चिया और गंजोटियों का सरकार है. एक अंडरवर्ल्ड का खुद को ये सरकार का मालिक समझने वाला नवाब मलिक, एक तरफ महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है. महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों ने हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, गली चौराहों पर महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है और इतना होते हुए भी खुद के दामाद को चरस गांजा आपू को संभालते हुए पकड़ा गया है तो कितना उसने खुद की छाती बढ़वा लिया है और आक्रोश कर रहा है दूसरों को नाम लगते हुए. अरे ये खुद अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, इसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये कुर्सी की लालच रखने वाले मुख्यमंत्री आघाड़ी सरकार इसको भी संभाल रहे हैं. जो सही तो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदुत्व का नारा दे रहे थे, इनको कोई अधिकार नहीं अब हिंदुत्व के ऊपर बात करने की, राष्ट्र प्रेम के ऊपर बात करने की. चरस गांजा अफीम और अंडरवर्ल्ड के लोगों को संभालने वाली ये सरकार, इसको नीचे खींचना है. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के गली चौराह पर आंदोलन कर रही है कि ये सरकार का आक्रोश, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है. ये जन आक्रोश को लेके ये सरकार को नीचे खींचना, ये अभी तो सिर्फ हमने प्रतिमात्मक ये नवाब मलिक को जूते मारे हैं, गाली लगाया है, इसको जलाया है, लेकिन समय ऐसा आएगा जनता आगे आके इसको रस्ते पे जूते मारेगी, क्योंकि ये इतना नंगा नाच पहले महाराष्ट्र में कोई नेता ने नहीं. और नवाब मलिक याच्यासाठी की एक महिना झालेला आहे आणि त्याच्या अगोदरपासून एसटी कामगारांचं संप चाललंय. महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी महिलांवर बलात्कार होत आहे, मुलींवर बलात्कार होत आहे, त्याच्यानंतर शेतकरी वैतागलेला आहे, शेतकऱ्यांचं सगळं पीक पाण्यात गेलेलं आहे, त्यांच्या हाती काहीच लागलेलं नाहीये. महाराष्ट्राच्या समस्या आलेल्या त्या समस्यावर कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न काढता फक्त त्यांचं वैयक्तिक राजकारण करणं, वैयक्तिक फॅमिली विषय बघणं, त्यांचा दावा येतो तो गांजा पकडलं गेला, त्या गांजा पकडल्या बोला त्यांना जी अटक झाली त्या विषयावर त्याचा पत्ता घेण्यासाठी फक्त महिनाभर त्यांनी वानखेडे कुटुंबावर निशाणा साधला आणि त्यानंतर शाहरुख खानच्या मुलांनी जे एवढा मोठा पराक्रम करून ठेवलेला आहे त्या प्रकरणामध्ये त्यांनी हात घातला आणि तेवढंच काम केलं आणि महाराष्ट्राच्या कोणत्याही प्रश्नावर त्यांनी कोणताही तोडगा अजून काढलेला नाहीये. आणि आता कालच्या डेटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या विरोधातचे सगळे 1993 बॉम्बस्फोटापासूनचे पुरावे जे काढलेले आहेत, त्यांनी ज्या जमिनी अवैध जमिनीच्या खरेदी केलेल्या आहेत त्या संदर्भात अशा देशद्रोही मंत्र्यांविरोधात आम्ही इथे निषेध व्यक्त करण्यासाठी आलेलो. आज पूरे महाराष्ट्र में एसटी कामगार शेतकरी सब रोड पे आए हुए, उपोषण कर रहा, कोई आंदोलन कर रहा, लेकिन ये देशद्रोही नवाब मलिक उसके जमाई को और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए पूरे राष्ट्रवादी, पूरी कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी उनको बचाने के पूरे जान से कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र के जो युवक है उनको प्रोत्साहित कर रही है कि तुम ड्रग्स लो, हम तुम्हारे को बचाने को आने वाले. तो मेरे को लगता है ये महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे इन्होंने जल्दी से जल्दी ये देशद्रोही नवाब मलिक इनसे राजीनामा लेना चाहिए और जो बॉम्ब स्फोट के जो आरोपी थे उनसे उन्होंने जो जमीन खरीदी थी उनकी चौकशी करके उनको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए. ये पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमारी मांगनी है. अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी राजीनामा नहीं लिया इसके बाद में युवा मोर्चा के पूरे महाराष्ट्र में इससे ही ज्यादा बढ़कर इसके बाद में आंदोलन होगा. महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हर एक जिले में एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है. जैसे आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से इस राज्य के मंत्री नवाब मलिक इनके जरिए एक नौटंकी चल रही है.
1993 में जिन लोगों ने मुंबई जलाई थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, ऐसे टेररिस्ट लोगों से ये सौदा करते हैं। इनके जमाई ड्रग्स, केमिकल, हर्बल, वनस्पति अपने साथ रख के उसका उपभोग करते हैं तरीके से। और ऐसे मंत्री जिनके रिश्तेदार और जिनके नाते टेररिस्ट के साथ है, ये इस राज्य के युवकों को प्रोत्साहन देते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपका रक्षण करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस महाराष्ट्र राज्य के युवकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके का महाराष्ट्र आगे खड़ा करना है। एक अच्छा युवक जो आप पढ़ाई करके, नौकरी करके, धंधा करके, व्यवसाय करके आगे जाए, या गांजा, नशा, केमिकल और हर्बल वनस्पति करके आगे जाए। ऐसे मंत्री जो ये गलत चाल चरण को सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे मंत्रियों ने जो है तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते हमारे अध्यक्ष सन्माननीय विक्रांत दादा, इनके अध्यक्षता के अंदर, और हमारे शहर अध्यक्ष सन्माननीय संजू भाऊ केणेकर, हमारे युवा मोर्चा के जिल्ला अध्यक्ष सूरज भाऊ लोलगे, ग्रामीण के जो जिला अध्यक्ष है, और शहर के जो जिला अध्यक्ष है राजू भाऊ वानखेड़े, मेरे सहकारी जितने भी युवा मोर्चा के सहकारी है, हम सब की ये मांगनी है, हम सब ये चाहते हैं कि नवाब मलिक साहब ने यहाँ पे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस राज्य के युवक के लिए जो है उन्होंने त्वरित और तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मौजूद है और उनका बैठक